तो भाई घोस्टबस्टर्स फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म आ गई है। अगर पहली तीन फिल्म्स 1981, 89, 2021 वाली नहीं देखी तो भी कोई बात नहीं, बाबा इस वीडियो में बताएगा कि फिर भी आप ये नई 2024 की घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर देख सकते हो या नहीं। स्टार्ट होती है फिल्म विद घोस्ट विलन आइस गॉड गैरेका के पावर्स की झलक दिखा के, जो एक अंडा नहीं गोला नहीं ऑर्ब में फंसा हुआ है जिसे कोई इंसान ही रिलीज कर सकता है। फिर करंट डे न्यूयॉर्क सिटी में घोस्टबस्टर्स फैमिली अपने घोस्टबस्टर्स कार में अपने घोस्टबस्टर गैजेट से घोस्ट को बस्ट करते हैं, पर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होने की वजह से उन पे बैन होने की वार्निंग आती है, जिस वजह से वो अपने फैमिली की 15 साल की लड़की फीबी को मिशन से आने से मना करते हैं क्योंकि अंडर एज लेबर लॉ। फैमिली के इस डिसीजन से अपसेट होकर फीबी एक घोस्ट से दोस्ती करती है जिसका नाम है मेलेडी, जो बिल्कुल भी चॉकलेटी नहीं होती, और उसके साथ चेस खेलती है घोस्टबस्टर फैमिली और घर के बारे में बताती है। आप समझ सकते हो ये ट्रैक कहां जाने वाला है। ये सब दौरान एक आलसी स्टुपिड आदमी नदीम रजमादी, जो अपना इंडियन है वैसे लगता तो है पर पता नहीं, वो घोस्टबस्टर्स फैमिली के क्लोज फ्रेंड जो शापित या कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करते हैं उनको एक ब्रास ऑर्ब बेचने आता है जो उसके दादी का था। अब दादी जाने के बाद एकदम चिंदी इनकम के लिए कीमती कीमती चीज बेचने निकलता है। ये ऑर्ब वही गोला है जिसमें इस फिल्म का घोस्ट विलन आइस गॉड ट्रैप्ड है। इनके पास आने बाद वो आसपास के सारे घोस्ट को कंट्रोल करता है और वो रिलीज होकर पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो ऑर्ब का पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर आने बाद कैसे ये लोग पता करते हैं, वो ऑर्ब का बैक स्टोरी, नदीम की दादी का उस ऑर्ब को प्रोटेक्ट करना, गोले में ट्रैप कोई साधारण घोस्ट नहीं बल्कि आइस गॉड है, उसके वीकनेस, उसको हराने का तरीका, विच इंक्लूड्स अ फायर मास्टर जो अब दादी के जाने बाद ये नदीम बन गया है, कैसे मेलेडी घोस्ट विलेन के कहने पर फीबी का इस्तेमाल करती है, फीबी कैसे 2 मिनट के लिए घोस्ट वर्ल्ड में जाके घोस्ट विलेन से माइंड कंट्रोल्ड होके उसको रिलीज करती है, रिलीज होने बाद शहर की हालत, For the first time in New York history. तो घोस्टबस्टर्स फैमिली की क्या हालत, उनके गैजेट्स के सामने काम ना करना, नदीम फायर मास्टर के पावर को कैसे मास्टर करता है, एंड में कैसे विलेन को हराते हैं, ये सब कैसो को जानने की अगर आपकी इच्छा है तो आप ये फिल्म देख सकते हो। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात मुझे लगी तो वो है स्टार कास्ट। हमारा एंटमैन और फ्रेंड्स एक्टर पॉल रेड, स्ट्रेंजर थिंग्स एक्टर फिन वुल्फहार्ट, उनके कुछ जोक्स और कुछ सीन्स तो बहुत फनी है। अच्छी फन लविंग फिल्म है विद लिटिल बिट ऑफ हॉरर एंड घोस्ट। ये लोग कोई सीक्रेट सोसाइटी की तरह काम नहीं करते कि चुपके से आके रात को अपना काम करते हैं, नहीं, ऑफिशियल है, पब्लिक, मीडिया, पुलिस सब जानते हैं इनको कि ये भूत पकड़ने का काम करते हैं। फायर ब्रिगेड की तरह इनको कॉल आता है, वो अपना यूनिफॉर्म पहन के अपनी कार से निकल पड़ते हैं घोस्ट पकड़ने। पहले 3 पार्ट से थोड़ा रिलेटेड तो है, एंड में सारे ओल्डीज घोस्टबस्टर्स भी आ जाते हेल्प करने, पर नहीं देखी होगी पहली पार्ट तो भी ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ समझ नहीं आ रहा या मिस कर रहे हो। ग्राफिक्स और VFX बहुत अच्छा है। थोड़ी स्लो लगी ये फिल्म मुझे, आधी से भी ज्यादा मूवी खत्म होने बाद तक तो बताया ही नहीं कि वो ऑर्ब के अंदर क्या है और कौन है, और मेन विलेन घोस्ट बाहर आता ही है एकदम ऑलमोस्ट एंड ऑफ द फिल्म में। थोड़ा पहले अगर विलेन बाहर आ जाता तो थोड़ा और चेस चैलेंजेस देखने मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। बाबा बोलता है अगर ऐसी फन लविंग हॉरर कॉमेडी टाइप्स फिल्म्स आपको देखनी पसंद है विद लिटिल बिट ऑफ साइफाई सुपर फिक्शन थ्रिल तो ये फिल्म आप देख सकते हो। रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करो ना यार, ऐसे और रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिनेफाइल। Bye-bye.